ये देखो ये पूरा सेटअप कर लिया, मैं बता दूं क्या है। ड्रोन गिर गया मेरा वहां पे कोने में, मैं आ रहा हूँ लेके। जल्दी बता कहाँ गिरा है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। सुबह उठ के मेरी ऐसी लिटरली रोने वाली शक्ल हो गई थी ना, मतलब आधे घंटे बैठ के मैं रोया हूँ लिटरली। तो जस्ट अभी मैं नहा धो के आया हूँ, अभी बज रहे हैं 5। तो मेरे साथ एक घटना घटी, तो जैसे मैं सो के उठा मेरे चैनल पे 3 वीडियो डाउन, सीधा डाउन, डिलीट। और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कोई रीजन भी नहीं दिया। बस मैं खोल के देखा मेल, तो उसमें लिखा आ रहा है कि तुमने कम्युनिटी गाइडलाइंस वॉयलेट करी है। मैंने कहा यार मैंने आज तक कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाया जो किसी को हर्ट करे या गाली गलौज करी है या कुछ भी मतलब ऐसा करा हो। तो आपको अभी लैपटॉप खोल के दिखाता हूँ, ये देखो। तो आप ये देख सकते हो, ये पहली वीडियो का, ये दूसरी वीडियो का, ये तीसरी वीडियो का। पहली वीडियो ये देख सकते हो, फाउंड डैश पेशेंट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो ये वीडियो डाउन कर दी गई है। As mentioned, we have removed your content because we think it violates our community guidelines. You find specific information. ठीक है, तो फिर इसमें एंड में दिया गया फॉर्म, तो ये मैंने फॉर्म फिल कर दिया अभी। और दूसरी वाली वीडियो ये डिलीट हुई है, टाइप्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग 21 days लॉकडाउन, फेक डेथ प्रैंक ऑन माई डॉग, एपिक रिएक्शन। ठीक है, तीसरी ये वाली डिलीट हुई है। तो इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसमें तो कोई वायरस से रिलेटेड कोई मैटर ही नहीं था। तो इसमें लिखो, प्लीज नोट देन ड्यू टू द रिसेंट ग्लोबल हेल्थ COVID-19 की वजह से आया स्पिट डाउन। और जबकि आप सब जानते हो कि जो मैंने फेक डेथ प्रैंक ऑन माई डॉग था, उसमें कोई COVID-19 से रिलेटेड कोई कॉन्टेंट ही नहीं था भाई, तो उसपे क्यों आखिरकार क्यों। सो गाइस, आपसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। होता क्या है कि देखो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं क्या सारे कितने भी कॉन्टेंट क्रिएटर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते हैं और सारी मेहनत करके वीडियोज डाल रहे हैं, आपको एंटरटेन करना चाह रहे हैं। बट ठीक है, यूट्यूब ने शायद गाइडलाइन स्ट्राइक मार दी है, तो शायद कोई रीजन होगा। अभी मैं मेल पे बात चल रही है, शायद आप जब तक वीडियो देख रहे हो तब तक मेरी वीडियो वापस आ चुकी हो। बट कसम से बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं जब लोग सपोर्ट नहीं करते, डिसलाइक करते हैं वीडियो, गालियां देते हैं या यूट्यूब से वीडियो डाउन हो जाती है। इतना कलेजा सा दुखता है यार कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यार। हमें कोई इलेक्शन में तो खड़ा नहीं होना कि हमें कोई सीट चाहिए आपसे या कोई लालच है आपसे। हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं और उसमें भी इतना क्रिटिसिज्म, वाय। खैर, ये तो क्रिटिसिज्म तो सक्सेस के साथ ही आता है। सो गाइस, मैं जो यूट्यूब पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ ये मेरा एक पैशन है, ना कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। चाहे मेरे को लोग कितना भी डिमोटिवेट करें, कितने भी हेटर बने या यूट्यूब कितनी भी वीडियो डाउन करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। माँ की कसम, अगर मेरा चैनल डिलीट भी हो जाता है ना, मैं नया चैनल बनाऊंगा और उसी एनर्जी के साथ मैं व्लॉग डाला करूंगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अभी भी देखो इतना सैड मोमेंट है और सिर्फ एक मिनट बाद देखोगे मेरे चेहरे पे हंसी होगी। ठीक है, और मैं आपके लिए व्लॉग कर रहा हूँ। ये एक फर्क है, जो बंदा पैशन के लिए आता है यूट्यूब पे, और एक दूसरा जो पैसे कमाने के लिए आता है। तो आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ रहे होगे। गाइस, आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, तो आज छत पे पार्टी करते हैं। पार्टी पता है कैसे करेंगे, डीजे कंट्रोलर ले जा रहा हूँ। जैसे अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो तो आपको पता ही होगा कि मैं कंट्रोलर सीख रहा हूँ, डीजे की मेरी चल रही है पूरी प्रैक्टिस। तो अभी मैंने कुछ छोटा सा सीखा, मिक्सिंग सीखी है, बीट मैचिंग, बार मैचिंग, स्क्रैचिंग अभी मेरा हुआ नहीं है कोर्स में। तो जितनी बीट मैचिंग बार मैचिंग है, दो गानों को मिक्स करना। तो आज छत पे चलते, बड़ा मजा आने वाला है। तो ये FND का वूफर ले आता हूँ अपना, तो वूफर मैंने निकाल लिया। अभी दो स्पीकर और निकालता हूँ, वो जो ऊपर वाले हैं, ये खाली दो ही ले जाता हूँ। सो गाइस, मैं आ गया हूँ अभी छत पे। ये रहा मेरा कंट्रोलर और ये रखे हैं मैंने सारे आइटम, समझाता हूँ क्या क्या है। तो अभी जगह देखता हूँ कहाँ बनाऊँ, सोच रहा हूँ यहाँ खाट ला के यहाँ बनाई जाए। सो गाइस, मैंने पूरा सेटअप कर लिया, ये देखो ये पूरा सेटअप कर लिया। मैं बताता हूँ क्या है, ये दो स्पीकर हैं, ठीक है, ये वूफर है, ये लैपटॉप है, लैपटॉप में चार्जिंग हो रही है, उसमें पूरी पावर गई हुई है वहाँ से। ये देखो, ये मेरे पे एक ही प्लग था तो मैंने एक्सटेंशन लगा रखा है वहाँ पे। तो ये हेडफोन है, इसमें मैं पूरा गाना मिक्स करूँगा। ठीक है, ये कंट्रोलर में लगाए यहाँ से, और फिर लैपटॉप से और इसमें आ रही है पावर। देखो, ये मैंने कनेक्ट करा हुआ USB के थ्रू। तो ये मैंने खोला हुआ है सॉफ्टवेयर जिसमें मैं गाने मैंने लोड करे हुए हैं। मैंने बॉलीवुड कलेक्शन बनाया हुआ है, इसमें दो डेक होते हैं, तो दोनों डेक में गाने मिक्स करेंगे। तो आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अभी रुको, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी खोल लूँ, इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊँगा। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो वहाँ फॉलो कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ लोगों का इन्जॉय कराते हैं आज पूरा। ये खोला इंस्टाग्राम, ये गया मैं लाइव, कट। सो गाइस, अभी चलते हैं छत पे और मैं आपको दिखाता हूँ ड्रोन शॉट कि यहाँ से दुनिया कैसी लगती है, रोडों का हाल क्या है। अभी वहाँ देखो सनसेट हो रहा हुआ। पूरा सन्नाटा ही है अभी, ये देखो
वहाँ पे लोग ऐसे इकट्ठे होके देख रहे हैं ना। आई हेट दैट शिट, जब लोग इकट्ठे होके देखते हैं ना, क्या पागल है। ये देखो ये लड़की मेरे डॉलर से मजे ले रही है, नीचे डॉलर है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग, डॉलर को चिढ़ाते हैं और डॉलर भैंह करता रहेगा। सो गाइस अभी सीन हो गया, मैं ड्रोन उड़ा रहा था और ड्रोन लैंड कर गया अपने आप। पता नहीं मेरे में सेफ्टी मोड ऑन था, मतलब ऑब्स्टिकल मोड, जैसे कोई ऑब्स्टिकल दिखता है तो रुक जाता है, और वो मोड भी ऑन था जैसे ऑटो लैंडिंग वाला, जहाँ से उड़ा है अगर दूर जाए कहीं सिग्नल लॉस हो जाए तो वापस आ जाता है जिस जगह से उड़ा है। बट पता नहीं क्या हो गया, इस बार ही वापस नहीं आया उस जगह से। वहाँ ड्रोन डाउन जा रहा था मेरा, मैंने खूब उसको ऊपर करा लेकिन मेरे में नो सिग्नल दिखा रहा है। ये देखो कोई सिग्नल ही नहीं दिखा रहा मेरे मोबाइल में। तो अभी फटाफट भागता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं मेरे घर के पास ही है, शायद मिल जाए। ड्रोन गिर गया मेरा, वहाँ पे कोने में, मैं आ रहा हूँ लेके। जल्दी बता कहाँ गिरा है, कहाँ गिरा है? वहाँ ये खोली क्लिनिक के यहाँ पे। फटाफट लेके मैं भी आऊँ? नहीं नहीं बैठो, मैं आया। रुक जा डॉलर, तू भी रुक पीछे। सो मैंने अपना ड्रोन, तो मेरा ऑन ही पड़ा है, वो अचानक से लैंड हो गया और मैंने अपना कंट्रोलर है ये ऑफ नहीं करा। तो गाइज ये मेरी ड्रोन की लोकेशन है, ये देखो जहाँ पे लैंड हुआ है मेरा ड्रोन, कहीं कोने पे लैंड हुआ है जहाँ ये त्रिकोना सा है, और मेरी लोकेशन ये है, ये देखो। तो मेरे को इस यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा। तो अभी फटाफट चलते हैं, देखो पास आता जा रहा हूँ मैं इसके लोकेशन के, 2 डॉट पास जाते जा रही है। तो एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे दिखा रहा है, मैं आ गया एग्जैक्ट जहाँ पे ड्रोन गिरा था। मेरी लोकेशन और ड्रोन की लोकेशन जस्ट आसपास ही है, 5-10 मीटर में है। सिग्नल आ गए, मैं यहाँ से उड़ाता हूँ, एक सेकंड यहाँ रखो। लोकेशन तो दिखा रहा है, देखो ऊपर उड़ तो गया है, अब कहाँ है देखता हूँ। देखता हूँ वो रहा मिल गया, इसको लैंड कराता हूँ। सो गाइस अभी घर चलते हैं और देखते हैं एक्चुअली लैंड कहाँ हुआ था, क्योंकि उस टाइम कैमरा ऑन था, शायद इसमें रिकॉर्ड हुआ होगा मेमोरी कार्ड में। सो गाइस अभी मैं ड्रोन देख रहा हूँ, मैंने लगाया टीवी में ड्रोन, वाओ क्या क्वालिटी आ रही है ड्रोन की, ये देखो एक एक आसमान ढंग से क्लियर दिख रहा है। सो देख रहे हो कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। तो अभी देखते हैं हमारा ड्रोन कहाँ अटका था, ये अभी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे गया, नीचे गया। ओ ओ ओ, ओ ये वापस, ये मेरी छत है, ये मेरी छत पे मेरे पास वापस आया था, टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है। और फिर ये वापस गया यहाँ से, इसे सिग्नल लॉस हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, वापस चला गया था। वापस देखते कितनी दूर तक जा रहा है, बस यहाँ तक गया। अभी ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये मेरे घर के पास ही है, मतलब पीछे वाली गली तक ही गया, जा वो तो अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं गया। अब ये फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया था। एक आदमी सामने छत पे घूम रहा है बात करते हुए, और ये नीचे आया, नीचे आया, ओ शिट, पेड़ 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 में जा रहा है, पेड़ में जा रहा है, नीचे से पेड़ आओ, देखना मैं पेड़ है ना, हाँ हाँ हाँ, ओ वायर भी निकली, वो तो अच्छा वायर से टच नहीं हुआ इसमें, ओहो छत 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 और दीवार, ओ शिट दीवार के कितनी पास आके गिरा, देख रही हो दीवार से टकरा के तो नहीं गिरा, ओ हिलते हुए गिर गया। अरे ये छत कितनी गंदी है इसकी है। चीटे चीटे जा रहे हैं, चीटे चीटे सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। साले जो भी है छत साफ नहीं करता, छत कितनी गंदी रखता है, बंदे ने कितने चीटे कर रखे हैं देख। ओ सो गाइस अभी हो गया, ओए होए मेरी जींस, गाइस ये मेरी जींस फटती जा रही है, ज़ारा की जींस है ना, इसमें बस एक ही कमी होती है, ये देखो ये मैंने काला कपड़ा लगाया ताकि घुटने बाहर ना निकले, ठीक है, फिर भी ये यहाँ से एक कट आया और ये यहाँ चिढ़ता जा रहा है, ये देखो कितना गैप हो गया, और डॉलर को देखो पता नहीं क्या हो गया, अपने आप ही घूम रहा है, देखो ओहो 40 टाइम हो गया इसका, डॉलर 40 खाना देखती पोटी निकल गई तेरी, ये देखो ये झुक के पोटी करता, पोटी डॉलर ओए छोटी छोटी पोटी कर रहा है।
मम्मी टट्टी हटाओ इसकी। सो गाइज मैंने मंगाया खाना, तो ये देखो ये राजमा है, ये पनीर की सब्जी है, रायता है, ये नान है, ठीक है, और ये चावल है, ये मिठाई भी दी है, ये अचार है, ये मिक्स वेज है। सो गाइस किस किस को लगता है कि स्विगी पे जो खाना पहले का मिलता था वो अब महंगा हो गया, मतलब 50-100 रुपए रेट बढ़ गए हैं। जैसे कि मैं थाली अभी जस्ट ये 250 रुपए की थाली दिखा रहा था लेकिन 20% ऑफ करके 200 रुपए की मिली है। जरा एक बार बताओ कि मुझे ही लगता है कि रेट बढ़ गए हैं या सच में रेट बढ़ गए हैं इसके। सो गाइस इसको पता नहीं क्या हो गया, ये डेली नीचे भागता है, पता नहीं क्या हो गया। डॉलर किसको देख रहा है? हाँ हाँ लाडले तुझसे कह रहा हूँ। अब देखो यहीं बैठ गया ये, क्या हो गया डॉलर, चल अंदर आ जा। सो अभी टाइम देखो गाइस रात के बज रहे हैं, ढाई बजने वाले हैं, 2:30 होने वाले, और इसको पता नहीं क्या हो गया, डेली रात को बालकोनी में बैठ जाएगा, गर्दन नीचे लटका लेगा, कभी भौंकेगा, कभी शांत हो जाएगा, कभी घर में बैठेगा, कभी कोने में बैठ जाता है, और जब भी बैठो ना मतलब सोएगा नहीं, कोने पे खड़ा रहेगा। अभी शक्ल देखो इसकी, वहाँ किसे देख रहा, कोई है नहीं, देखो वहाँ किसे देख रहा, देखो कंटिन्यूस देखा जा रहा, ओए किसे देख रहा है, देखो फिर देखेगा, मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा, जाके देखूं किसको देख रहा है। किचन तो खाली पड़ा है, बाथरूम भी देखो, बाथरूम भी खाली है। सो गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मेरे पे जितने भी कैमरे हैं ना मैं सबको घर के कोने में लाया, जैसे GoPro है, GoPro को वहाँ कोने में लगा देता हूँ, और ये जो कैमरे जिसे आप देख रहे हो इसको मैं यहाँ कहीं लगा दूंगा, और उस कमरे में अपना ETD रख देता हूँ, और सब में मैं कैप्चर करता हूँ कि क्या होने वाला है रात को। जहाँ तक मेरे को लग रहा है इसको कोई आत्मा दिखती है, क्योंकि हमारे जो नीचे जो लेडीज रहती थी वो कैंसर से डेथ हो गई थी उनकी कीमो करा करा के, लेकिन वो साल पुरानी बात है, पता नहीं इसको क्या हो गया अचानक से। ये देखो अभी भी बैठा हुआ है, देखो इसकी ऐसे ही बैठा रहेगा बेवकूफ़ सा। सो ये सारा मैं व्लॉग अभी शूट कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट डाल दूँगा कि हमारे घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। डॉलर देख रहा है, देखो अभी भी किसको देख रहा है, ये कुछ ना इसके दिमाग में चल रहा है। तो अभी मैं अंधेरा करता हूँ घर में, मैं सोने जाता हूँ, फिर पता लगेगा नेक्स्ट व्लॉग में क्या होने वाला है। और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर नेम आप ये देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाल दूंगा, क्योंकि अगर सुबह तक कुछ दिख गया तो मैं सबसे पहले वहाँ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा, वहाँ पे मैं लाइव भी आता रहता हूँ जैसे आपने देखा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, 4 लाख करा दो। तो ठीक है, मिलता है आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये लाल कलर का बटन दबाए, सब्सक्राइब करने बाद एक घंटा दबाए टंग 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 करके, उससे क्या होगा आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगी जब मैं जब भी नया व्लॉग डालूंगा। 3 मिलियन होने वाले हैं, जस्ट कर दो सब्सक्राइब। तो देखते हैं डॉलर को भूत मिलता है कि नहीं मिलता।